गुड मॉर्निंग प्रेयर शुरू करें। सीधा बैठें मगर बिना तनाव के बैठें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, अंदर जाती हुई सांस, फिर बाहर जाती हुई सांस, उन्हें जानते रहें। अवेयरनेस होश बनाए रखें। बिना कोई कामना किए सांस को जानते रहें। न ज्यादा सांस चाहिए न कम सांस चाहिए, जितनी आ रही है जितनी जा रही है उतनी चाहिए। पूरे स्वीकार भाव के साथ चलता रहे। तो सभी आंख बंद करके, मौका मिला है, रिमाइंडर मिला है तो अपने आप पर जाएं। मैं कौन हूं उसको जानूं, काम खुद को जान, इंसान खुद को जान। मैं कौन हूं, आंखें बंद ही रहें। मैं कौन हूं सवाल पूछकर, अंदर क्या होता है यह जाने। प्रार्थना करने से पहले, प्रार्थना करने वाला कौन है इसे अनुभव से जानने का प्रिय प्रयास करें। जो नए लोग बैठे हैं, नए खोजी बैठे हैं, वे अपने सांस पर ध्यान बनाए रखें। अंदर जाती हुई सांस कब अंदर गई और कितनी देर के बाद वापस लौटी, और लौटने के बाद फिर अंदर जाने के लिए कितना समय लगाया, इसके साक्षी रहें। सांस पर ध्यान बना रहे। Who am I? मैं कौन हूं? जो हूं वही बनकर प्रार्थना करूं। आप कौन हो, स्वयं से सवाल पूछकर अपने होने के एहसास पर रुके रहें। सांस को चलने दें, सांस को रोकने की आवश्यकता नहीं है, बस मात्र सूरज की तरह उपस्थित रहें। आप कौन हो, Who are you? आप शरीर नहीं हो तो आप कौन हो? ईश्वर ही है, आप हो कि नहीं यह पक्का करो, यह पता करो।
Who are you? आप कौन हो? पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, लंबे, ठिंगने, मोटे, पतले, आप कौन हो? अगर ये सब नहीं हो तो आप कौन हो? ध्यान, प्रार्थना, बीज बोने के लिए ध्यान के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को अपनी पहचान मिले, केवल शरीर बनकर वह अपना जीवन समाप्त न करे, अपनी हकीकत सच्चाई जानकर पृथ्वी पर जीवन जिए, सबके लिए निमित्त बने, ऐसी पहचान सबको मिले। सूर्य के जैसे उपस्थिति सबकी बने, पूरी चेतना के साथ आप उपस्थित रहना सीखें। हे ईश्वर, मेरी उपस्थिति संपूर्ण चेतना के साथ रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। हे परमात्मा, मैं मन को गुरु न बनाऊं, केवल एक को सुनूं। विश्व के सभी मनुष्य मन को गुरु बनाकर बीमारियों और परेशानियों के शिकार हैं। सबकी बीमारियां ठीक हों, सबकी परेशानियां दूर हों, सभी अपने मन पर विजय प्राप्त करें, मन के गुलाम बनकर न जिएं, मन मालिक बनकर इंसान पर राज्य न करें, ताकि मनुष्य के द्वारा ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति हो। यह संभव है, यह हो रहा है, यह अति सुंदर दृश्य है जो साकार रूप ले रहा है। शुभ्र प्रकाश के साथ पृथ्वी पर यह साकार रूप प्रकट हो रहा है, इसके लिए हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना जारी रखें अपने शब्दों में, सभी के कल्याण के लिए, हर जीव के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना जारी रखें। आज का सेशन समाप्त करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें।